हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है पतिदेव का बर्थडे, 8 मई। ये देखिए, हो गए हैं तैयार ब्लू ब्लू पहन के। तो वो सब तिलक वगैरह करेंगे, नहा धो लिए, मम्मी भी नहा लिए हैं, तो अब तिलक करने की तैयारी करते हैं। तिलक करेंगे मम्मी, तो चलते हैं बस बाहर, लॉबी में करेंगे। थाली तैयार कर दी है, पेड़े ले आया था शगुन पेड़े, तो मम्मी इधर गई हैं, अभी आ रही हैं। हाँ, पैसे निकाल के ला रही हैं। अच्छी लग रही है, सुंदर है ना, मस्त लग रही है एकदम। ये वाली साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन, मैच रुपए लेके आई हूँ, देख रही है। ओहो, 1100 रुपए सबको बराबर, कोई ऐसा ना हो, कोई कम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए सबके लिए बराबर बराबर। तो 1100 रुपए रख दिए मम्मी ने थाली में। तो तिलक विलक हो गया है, अब तीनों मैचिंग हो रहे हैं हम। तीनों शबर ही मैचिंग है, इधर 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 देखो, तुम दोनों माँ बेटा, हम दोनों माँ बेटा। मैचिंग सब मैचिंग हो गए। साथ तक तो स्कूल गया हुआ है, और बोल रहा था क्या गिफ्ट दूँ मम्मा, बता दो मुझे। तो कल ट्यूसडे था, तो उसकी वजह से मार्केट बंद रहती है, तो मैंने कहा बेटा कल देख लेना जो भी स्कूल से आके, लेकिन लेके जरूर आऊँगा मैं, कुछ भी हो। ऐसे ही पूछा क्या दूँ क्या दूँ। मेरे को दिल समझ आता मैं क्या दूँ। मम्मी ने बढ़िया किया, मम्मी ने पैसे देती हैं मम्मी सबको, तो ये मिल गए 1100 रुपये, 1100 रुपये का शगुन। अच्छा चलो, मैं तो वो दिलवा देती हूँ आपको, घड़ी है ना, घड़ी सही है। कौन सी वाली? स्मार्ट वॉच कौन सी कहेंगे पापा? पापा को ले जाएंगे, जो पसंद करेंगे वही दिला देंगे, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये दिला देना सारी चीजें, तो वही बर्थडे पे तो हमारा भी हक है कि दिलाने का, कुछ ना कुछ तो दिलाएंगे, छोटा सा ही गिफ्ट सही। और चलेंगे फिर, काम वाम कर लें, थोड़ा फ्री हो लें सबको। अब इसके बाद अब ब्रेकफास्ट वगैरह कराएंगे, सबको पेड़ा खिलाऊं, मेरे बेटे की खुशी की, बहू को भी, नाती को भी, अपने आप को भी। इनको तो खिला ही दिया, अब इधर खाओगे। तो दोस्तों, यहाँ बन रहा है खाना, खाने में बन रहा है छोले भटूरे, और पहले छोले भटूरे और पूड़ी भी साथ में, कोई जैसे पूड़ी खाना चाहे तो पूड़ी उसके लिए, और जो भटूरे खाना चाहे वो भटूरे। बच्चे तो भटूरे ही बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम होगा भटूरे बनाए भी नहीं, और मम्मी पापा कहते हैं हम तो पूरी खाएंगे, तो उन्होंने पूरी कल्चा बना रही है पूड़ियाँ, और मैं इधर परोस रही हूँ, मतलब प्लेट लगा रही हूँ, तो इधर सीख रहे हैं, इधर हमारी प्लेट लग रही है। तो कर रहे हैं, बच्चे आ गए स्कूल से, सार्थक विवान भी आ गए हैं, हाँ तो उनके लिए लगा रहे हैं, पापा को दे दिया, मम्मी अभी गई हैं कहीं पे, अभी काम से बाहर गई हैं, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, तो उनको बाद में खिलाएंगे, पहले पापा को खिला रहे हैं। तो दोस्तों, शाम की चाय वगैरह पी ली है, और सार्थक गया हुआ है ट्यूशन, तो पतिदेव उसको लेने के लिए गए हैं, 6 बजे आता है, 5 से 6, तो वहीं से केक वगैरह ले आएंगे वो। और मैंने तब तक कपड़े निकाल के रख लिए हैं, मुझे ये वाली शर्ट निकाल दी है, और अपने लिए ये वाली कलर की साड़ी, तो ये मैंने कपड़े निकाल के रख लिए। तब तक मैं अपना तैयार हो लूँगी, बोल रहे थे तुम तैयार हो लेना साड़ी वगैरह अपना पहन के, और तब तक सार्थक को ले कर और केक ले कर आ जाएंगे। तो बस अब तैयार होने ही जा रही थी। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्लानिंग कर रखी है मैंने, और लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर में आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो उनके आने से पहले मैं हो लेती हूँ तैयार, और उनको भी, पतिदेव को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे तो मैं उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आई अभी फ़िलहाल, उनके लिए मैंने जो गिफ्ट है बर्थडे गिफ्ट वो मैंने कर दिया ऑनलाइन, मतलब कर दिया बुक। अब वो आने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे, तो अभी आया नहीं है, तो उसके बाद दे देंगे वो गिफ्ट। और
फिर अपना तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में सरप्राइज के साथ। तो दोस्तों तैयार हो गए, मैंने अपना साड़ी पहन ली, कैसी लग रही है पतिदेव भी हो गए दिखाओ ये देखिए कलर ऐसे अच्छा बोलना चाहिए कैसी है ये साड़ी बताना तो बता देंगे दोस्त कैसी लग रही है साड़ी, कलर कुछ अलग सा लग रहा ना, अच्छा लग रहा। लाइट लाइट सा कैसा लग रही हूँ, अच्छे लग रहे हो, मस्त 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 लग रहे हो। चेंज नहीं कर रही हैं, कह रही है यही सही लग रही है मेरी तो साड़ी, ये कर रही है हाँ कॉटन की है इसलिए। शगुन तैयार, सार्थक दादू इसके पतिदेव देख रहे हैं टीवी सुनो सार्थक इधर आ, सार्थक इधर आ, सरप्राइज है इधर वो ना एक सरप्राइज है पाए क्या क्या ना, हम मैंने मंगवा रखे हैं काफ़ी सारे फूल ठीक है, तो इसके पत्तियाँ मंगवाएंगे तो ना जैसे ना लॉबी में हम खड़े होंगे ठीक है, तो ना पापा को बुलाइए फिर तेरे पापा इधर आना सरप्राइज है बर्थडे है देख तो लो दोस्तों, मैंने ये निकाल लिए फूल ठीक है, और सार्थक बुला के लाएगा पापा को ठीक है। पापा इधर आना एक सेकंड, लाजी ताजी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो तुमने अपना फर्स्ट बर्थडे है यार, थैंक यू जबरदस्त था, मुझे पता नहीं था ऐसा भी हो सकता है क्या, बाहर फूल बरसाओ मेरा मेहनत में आया ये तुम्हारी होगी सब सेटिंग, मेरी किसकी थी ये, मम्मा की बर्थडे है एनिवर्सरी है थैंक यू। पहले तो देखो सरप्राइज दे रहे हैं कि भैया फ्लावर डालेंगे, इतना मस्त सरप्राइज दिया, फिर इनको इकट्ठा करो ये सही है, हाँ ये बात तो है, मजा आ गया एकदम, मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ तक भी पहुँच जाओगे तुम। तो आपने पहले पहले एनिवर्सरी का आपने दिया था, पहला एनिवर्सरी नहीं बर्थडे था, तुम्हारा बर्थडे था फर्स्ट, मैंने भी यही सीन क्रिएट किया था इनके बर्थडे पे, लेकिन सरप्राइज मेरा ये था कि मैं वहाँ पहुँचा था, सरप्राइज मेरा ये था कि मैं वहाँ पहुँचा था पानीपत, वही को पता नहीं था, करेक्ट 12 बजे मैंने एंट्री मारी एकदम झंडाड़े था, सबको शॉक कर दिया कि ये कैसे हो गया, और जाते ही ऐसे मैंने फ्लावर गुलाब के फ्लावर ऐसे डाले और पूरे घर में ऐसे ही और शोर शराबा हो गया पूरा घर में, ये क्या हो गया, अब ये मेहनत करनी पड़ रही है तो केक लेके चलते हैं ड्राइंग रूम में, वहीं काटेंगे, चलिए हाँ मैचिंग हो गए पापा भी, सब लोग आ गए हैं रूम में, तुम दोनों रह गए पीछे दिख नहीं रहे हो, चलिए स्टार्ट
छोटे बच्चे को पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटा बच्चा अपने आप नहीं खा पाएगा, खिलाना पड़ेगा। टिश्यू पेपर ले आ बेटा, जाइए अपनी अपनी लाइन पर लग जाइए। अब किसकी बारी है? चलिए चलिए, बच्चे बाद में। विमान के बाल कर रहे हैं। विमान ने बाल खड़े कर लिए अपने। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी की आवाज नहीं आई। तके आ गया बारी। सार्थक क्या खिलाएगा पहले? मैं नहीं रखने वाला था, दोबारा से कुछ और लेने वाला था मैंने कहा तो। टैन टैन खा लिया। अब जाओ एक एक नंबर की बारी। उन्होंने बहुत सारा खिलाया है। तूने थोड़ा सा खिलाया था। खिलाते रहो मुझे। कैसे बैठ गए इसके? अभी तो खड़े थे। कौन खिलाएगा? खिला दो जो खिलाना है आपको। कंफ्यूज हो गया चारों ओर से। कंफ्यूज हो गया, हाथ से लेने लग गया। वहां भूल गया था ना, हाथ में दे रहा था। शर्मा तो ज्यादा है ये। कैसा है? हाँ हाँ मजे आ गए भाई, साथ साथ ही मिल गया केक। अब आ गई मेरी बारी। आया भैया। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. दोस्तों केक कट कर लिया है और अब लगा देते हैं, सबको दे देते हैं केक। दोस्तों बस निकल रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। चलो चलो चलते हैं। चलो हम चलो, आज बेटे का बर्थडे है। दोस्तों पहुंच गए। क्या क्या खाओगे बच्चों? क्या खाओगे? क्या खाओगे? कड्डी पूरी है। बताओ क्या खाओगे? क्या गोलगप्पे? दाल मखनी। दाल मखनी? मुझे तो गोलगप्पे सुनाई दिया था। गोलगप्पे खाएगा। पानी पीना शुरू। थक गए हो तो? तो दोस्तों घर आ गए हैं और घर आ गए हैं स्वाद रेस्टोरेंट खा के आए हैं और लेके स्वाद रेस्टोरेंट में से खाना खा के स्वाद ट्रॉफी लेके आए हैं। हमारे यहाँ स्वाद रेस्टोरेंट है अलीगढ़ में, तो काफी लोग जानते होंगे। और वहाँ स्पेशल ये स्वाद नाम की ट्रॉफी मिलती है, जो पहले बहुत मिलती थी, लेकिन अभी स्पेशल यही मिलती है। तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि भाई स्वाद में से स्वाद लेके आए। खा के भी आए, एक एक तो खा के आए। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा भाई एक एक एक्स्ट्रा दे दियो। एक्स्ट्रा दे दियो। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया उसका, वो ठीक अच्छे से रहा। और बस फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।